नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से यूके एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम हमसे क्या इंपोर्ट करता है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट बनाने, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप यूके एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे एक्सपोर्ट करना है यूके के अंदर, यूके हमसे क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि यूके को क्या और कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूरोपियन कंट्री जो यूके है उसके अंदर बहुत अच्छा जो है इंडिया यहां से एक्सपोर्ट करता है, बिलियन डॉलर का कारोबार है। बात करें अगर यूके में लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर हमने कितना एक्सपोर्ट किया, तो ऑलमोस्ट 11.46 बिलियन डॉलर का हमारे यहां से यूके में एक्सपोर्ट किया गया है। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जो है हमने यहां से यूके के अंदर किया है। उसके बाद बात करें प्रोडक्ट्स की कि क्या क्या प्रोडक्ट और कितने हमने यहां से एक्सपोर्ट किए हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यहां से इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि 325 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो कि 15% की ग्रोथ देखी गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा। ये 2022-23 का मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं 1470.23 मिलियन डॉलर के, मतलब 1470.23 मिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से अच्छा खासा रेडीमेड गारमेंट जो है एक्सपोर्ट हुआ है। 10.87% की इसमें ग्रोथ देखी गई है। बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, जो 1149.67 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है और 71.82% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, वो देखी गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। 924 मिलियन डॉलर का हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, 5994.07% की ग्रोथ देखी गई। आप देखिए कितना ग्रोथ पे गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बहुत अच्छा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे यूरोपियन कंट्री ने जैसे ही रशिया से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करने पे जैसे रोक लगाई है, तो इंडियंस जो है इंपोर्ट करके और उसको री एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप ये पूरा देख पा रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड भी हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की वजह से। और इधर आप देखिए यूके भी वही कर रहा है, यूके भी हमसे जो है ऑयल खरीद रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है 83.90% की ग्रोथ के साथ में 670.83 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है यहां से। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके के अंदर, 647.68 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, जो कि 9.98% की ग्रोथ इसमें देखी गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है, 69% की ग्रोथ देखी गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। इस साल हमने 445.66 मिलियन डॉलर का अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच में ये एक्सपोर्ट हमने किया। उसके बाद लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट किया गया है 444.15 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, जो कि करीब 0.79% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा। प्लास्टिक प्रोडक्ट 269.06 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। कॉटन यार्न मैनमेड फैब्रिक वगैरह 266.66 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। उसके बाद माइका एंड कोल प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं 155.90 मिलियन डॉलर के। राइस हमने एक्सपोर्ट किया 155.40 मिलियन डॉलर का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी काफ़ी अच्छा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर, तो ये 152.18 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। मैरीन प्रोडक्ट जितने भी समुद्री जो जीव रहते हैं उनका एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है, वो भी हमारे यहाँ से मैरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 144.98 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है। सिरामिक प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से 108.54 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है।
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमारे यहाँ से 101.43 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। इसके साथ ही स्पाइसेज जो है, इंडिया का स्पाइसेज ऐसे काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है, यूके में काफ़ी सारे इंडियंस भी रहते हैं जो कि इसको पसंद करते हैं इंडियन स्पाइसेज को, तो 98.93 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया गया, जिसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 49.38% की ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। उसके बाद आपका कारपेट आ रहा है, कारपेट 51.54 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, टी एक्सपोर्ट करी गई यहाँ से 44.25 मिलियन डॉलर की, जूट मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर कवरिंग वगैरह प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए गए 21.28 मिलियन डॉलर का। उसके बाद आता है आपका कॉफ़ी जो 20.12 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया, आयरन ओर हमने 19.39 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है, ऑयल मिल्स की बात करें तो 7.57 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और ऑयल सीड 6.25 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, केशु हमने 2.29 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और टोबैको हमने 0.86 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। तो ये थी कुछ कमोडिटीज़ जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब सारा मिला के 11.46 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से काम हुआ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप इंडिया से यूके एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले उसके लिए बनाने रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इंडिया से यूके एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, प्रोडक्ट कोई भी हो आपको GST जरूर लेना है, एडिकोड लेटर बैंक से लेना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग RCMC आपको ले लेना है, उसके बाद आपको सिंपली जो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फूड प्रोडक्ट है तो उसके लिए FSSAI का सर्टिफिकेशन या कोई CE mark का वगैरह कोई दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल फाइल होना, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन या GSP सर्टिफिकेट वगैरह और बिल ऑफ लेडिंग इसमें आपका बनेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके एक्सपोर्ट के दौरान बनते हैं। बात कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर की कि इंडिया से अगर आप यूके एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ दो मोड से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके के अंदर, पहला मोड है आपका बाय एयर, दूसरा है आपका बाय शिप। यूके के अंदर जो है मोस्टली बाय एयर आप करते हैं तो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर आपका शिपमेंट यहां से जाता है, और अगर आप यहां से बाय शिप करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट है, सी पोर्ट काफी है यूके के अंदर, जैसे साउथहैम्पटन है, उसके अलावा लंदन गेटवे पोर्ट है, उसके अलावा फेलिक्सटो है, तिलबरी है, तो इन सब के अंदर आप जो है यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहां के पोर्ट का भी आपको पता होना चाहिए, बाहर की कंट्री में कौन से पोर्ट पर आप डिलीवरी करेंगे उसी हिसाब से कई बार प्राइसिंग भी जो है डिसाइड की जाती है अगर CIF मोड में हम शिपमेंट करते हैं तो। अब सबसे पहले तो आपको ये अगर प्रोसीजर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आपको ध्यान देना है कि आप क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट कहां से प्रोक्योर किया जाएगा, प्राइसिंग क्या आ जाएगी, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी साइजेस कैसे मेंटेन करनी है, उसके थिकनेस, फिनिश, कलर किस टाइप के रहते हैं जो यूके के अंदर डिमांड में रहते हैं। तो प्रोडक्ट फाइनलाइज करें, प्रोडक्ट फाइनलाइज करके मतलब उसकी सोर्सिंग वगैरह पता करें, प्रोडक्ट फाइनलाइज होने के बाद सिंपली आप जो है कंपनी का नाम डिसाइड करें कि किस कंपनी के नाम से आप जो है एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी फर्म का क्या नाम रहेगा। नाम डिसाइड करने के बाद आप उसको जो है रजिस्टर्ड कराएं, जो भी आपका फर्म का नाम है उसको आप रजिस्टर्ड कराएंगे, एज अ GST नंबर आप ले लें, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, जो भी आप कंपनी चाहे वो कंपनी फॉर्मेशन करें। उसके बाद आप सिंपली करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में जाके आप अपना करंट अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, और इससे पहले बैंक से आपको एक AD कोड का लेटर भी ले लेना है। फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं जो कि आप DGFT के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका बन जाए, आप RCMC के लिए अप्लाई करें, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड RCMC आपको बनाना होता है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि कुछ EPC बनाई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट उसके अंदर कवर होते हैं, उन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का EPC काम करती है। जैसे हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, एग्रो प्रोडक्ट के लिए एपिडा का लेना पड़ेगा, लेदर प्रोडक्ट के लिए लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस बोर्ड है। तो इस तरीके से आपको RCMC बनाना रहेगा। अगर आप फूड प्रोडक्ट में प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो आपको FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस, कुछ प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट या स्पेसिफिक सर्टिफिकेट जो कि बायर की तरफ से डिमांड में, वो आपको बनाने रहेंगे। उसके बाद सिंपली आपको जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन इसको बोला जाता है, जिस भी एयरपोर्ट या आप सी पोर्ट से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसी पोर्ट पे आप कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करेंगे, अपने चार्जेस उससे लेंगे कि अगर हम ये कंटेनर पूरा एक्सपोर्ट करते हैं इस प्रोडक्ट का तो कितने चार्जेस कस्टम वगैरह में लग जाते हैं। उसके बाद आप बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर शुरू करते हैं, जब आपको बायर मिल जाए
जाता है। बायर मिल जाने के बाद उसको प्राइस दी जाती है, प्राइस देने के बाद जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो बायर से आप पेमेंट डलाएं, पेमेंट डलाने के बाद मटेरियल को शिप करें। जब मटेरियल आपका फैक्ट्री से निकलेगा, पोर्ट पे पहुंचेगा, पोर्ट पे आपका CHA कस्टम क्लियरेंस करा देगा पूरे प्रोडक्ट का, जो भी डॉक्यूमेंट बने वो बना देगा और उसको कनेक्टेड वेसल पे या फ्लाइट पे लोड कर देगा। इस तरीके से आपका मटेरियल जो है बायर के पास पहुंच जाता है और जो भी पोर्ट पे आपको जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो सब डॉक्यूमेंट आपको जो है बायर को ओरिजिनली कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से ही आपका एक्सपोर्ट का शिपमेंट यहां पे कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 7 डेज की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, कस्टम क्लियरेंस, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, ये सब आपको करने रहेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो घर बैठ के आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।